ये फोर्थ क्लास का लेसन है, दी स्नेयर। स्नेयर कहते हैं फंदे को, ठीक है, शिकंजा या फंदा। आई हेयर अ सडन क्राई ऑफ पेन, आई हेयर, मैं सुनता हूँ, अ सडन अचानक, क्राई चीख ऑफ पेन, तकलीफ की, ठीक है। तो आप इसे क्या कहेंगे कि मैं अचानक एक तकलीफ दे चीख सुनता हूँ या दर्द से भरी हुई आवाज़ सुनता हूँ। देर इज़ अ रैबिट, वहाँ एक खरगोश है, इन अ स्नेयर, एक जाल में या एक फंदे में, ठीक है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, नाउ अब आई हियर, मैं सुनता हूँ द क्राई चीख अगेन, दोबारा, अब मैं दोबारा वो चीख सुनता हूँ। बट लेकिन, आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, अगर कुड नॉट हो तो सका आएगा, माजी की बात। आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम होता से, वेयर कहाँ, ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से, मतलब वो कहता है कि मैं दोबारा आवाज़ सुनता हूँ चीखने की, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से। ही इज़ कॉलिंग आउट, वो बुला रहा है, फॉर एड, एड मदद के लिए, ठीक है, जैसे फर्स्ट एड होता है ना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इस तरह एड, एड मदद को कहते हैं, वो मदद के लिए बुला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग चीख रहा है, ऑन पर फ्राइटेंड, डरी हुई एयर, हवा, फिजा, ठीक है, यहाँ हवा होता है एयर, यहाँ फिजा आएगा, ठीक है, कि वो खौफजदा फिजा पर चिल्ला रहा है। मेकिंग एवरी वन, मेक का मतलब होता है बनाना, ठीक है, एवरी थिंग, हर चीज़, अफ्रेड, खौफजदा, वो हर चीज़ को खौफजदा, अब यहाँ बना रहा है नहीं कहेंगे, अब हम यहाँ क्या कहेंगे, वो हर चीज़ को खौफजदा कर रहा है, ठीक है, मेकिंग एवरी थिंग अफ्रेड, हर चीज़ को खौफजदा कर रहा है। रिंकलिंग अप हिज लिटल फेस, रिंकलिंग झुरियाँ पड़ना, या जैसे बूढ़े लोगों के चेहरे के ऊपर होती ना, हाँ जी, रिंकलिंग, किधर गया, अप हिज लिटल फेस, उसके छोटे चेहरे पर झुरियाँ पड़ गई हैं, किस वजह से, दर्द की वजह से, ठीक है, तकलीफ है। एंड ही क्राइज, और वो चीखता है, अगेन फॉर एड, दोबारा मदद के लिए, और वो मदद के लिए दोबारा चीखता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और एंड और आई कैन नॉट फाइंड, मैं नहीं पा सकता, मैं नहीं ढूंढ सकता द प्लेस, जगह, ठीक है, मतलब वो दोबारा बार बार चीख रहा है, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिली कि वो कहाँ फंसा हुआ है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं जगह नहीं ढूंढ सकता, वेयर हिज पा, वेयर, जहाँ, अब आप कहें कि सर ऊपर तो आपने कहाँ कहा था, यहाँ जहाँ है, ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से होता है। वैसे जो आसान तरीका इसका ये है कि जब सेंटेंस के दरमियान में वेयर आ जाए, ठीक है, या किसी बात के दरमियान में आ जाए, तो उस वक्त इसका मतलब जहाँ होता है, और अगर क्वेश्चन के तौर पे आए, मतलब, तो फिर उसका मतलब क्या होगा, कहाँ, ठीक है। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, जहाँ उसका पंजा शिकंजे में जकड़ा हुआ है। लिटल वन, ओ लिटल वन, छोटे, ओ प्यार छोटे, आई एम सर्चिंग एवरी वेयर, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, जेम्स स्टीफन्स की ये पोएम है। ओके, इसके पहले वर्ड मीनिंग याद करें, फिर ट्रांसलेट।